अब जब उसका हेलीकॉप्टर यहाँ उतरने वाला है या उतर चुका है, वो बैठक करने जा रहे हैं, तब आप अपनी गलती को छिपाने के लिए या हम इस पर मुखर हो गए हैं तो आप भयभीत हुए कि विधायिका का हमने अपमान कर दिया है, तो आप ये काम और एक गलती भरा कर रहे हैं। इसमें तो सीधे सीधे ये जिला प्रशासन, सरकार, मैं प्रशासन के लिए क्यों कहूँ, प्रशासन तो सरकार का अंग है, जैसा सरकार कहती है वैसे प्रशासन चलता है। इसका मतलब ये सरकार छद्म है, ये सरकार स्पष्ट नहीं है, ये सरकार छद्म रूप में काम करती है और इसके सामने विधायकों का कोई सम्मान नहीं, विधायिका का कोई सम्मान नहीं है। क्या ये माना जाए कि जो मुख्यमंत्री का ये जो आगमन आज यहाँ पर हो रहा है केवल वो सिने और अपनी गुणगान करने आ रहे हैं? वो कुछ नहीं, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जनपद में वर्गवाद, जातवाद और संप्रदायवाद को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है। कोई समीक्षा बैठक नहीं है, मुख्यमंत्री केवल वर्गवाद, जातवाद और संप्रदायवाद के आधार पर यहाँ कुछ लोगों की बैठक करने वाले हैं, इसकी मेरे पास पुख्ता सूचना है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम और इसीलिए ये सारे कार्यक्रम उससे छिपाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम कवरेज को लेकर के प्रेस को भी रोक दिया गया है ताकि वो यहाँ पर अपनी बात भी ना कर सकें, यहाँ की सारी जो सच्चाइयाँ हैं वो मुख्यमंत्री के सामने ना रख सकें। इसके मामले में मुख्य ये है कि प्रेस अगर वहाँ पहुँचेगी तो प्रेस ये देख लेगी कि यहाँ तो जातवादी, वर्गवादी और संप्रदायवादी लोगों का जमावड़ा है, ये बैठक जनप्रतिनिधियों की नहीं है, ये बैठक राजनीतिक लोगों की नहीं है, ये विकास कार्यों की समीक्षा बैठक नहीं है, इसलिए प्रेस को भी इस कार्यक्रम से वंचित रखा गया। ये मामूली घटना नहीं है, ऐसा आज़ादी के बाद कभी भी इस जनपद में नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ होगा। और हमको थोड़ी आप हमको भेज रहे हैं, विधान परिषद सदस्य आपने लिख दिया है, विधान परिषद के यहाँ 3 सदस्य इस जिले से, अब जो कन्नौज में रहता है उसके यहाँ आप सूचना कैसे करेंगे, जो मैनपुरी में रहता है उसको आप सूचना कैसे करेंगे, हम तो औरैया के निवासी हैं, आपका कोई कर्मचारी हमारे फाटक पर ऐसे डाल गए, अभी जस्ट आप आए हैं उसके ठीक 2 मिनट पहले आप पप्पू निकले हैं, तो मैंने उन्हें डांटा, हमने कहा इसको लिया क्यों, आप जाइए और जो आदमी डाल गया है आपने उसे रिसीव किया उस पर टाइम डाल दिया, ये तो और इसी में पकड़ में आ रहे भाई, आप देख लीजिए।